नींद नहीं लगती है साहब। अभी भी दहशत में हैं आप लोग? हाँ साहब, रज की हवा बहता है, फट जाते साहब का यार, क्या करें, दिन भगवान से मनाते हैं बैठ के। अच्छा, ये 8 क्विंटल का साला वो उड़ गया, गोमती उड़ गया। अच्छा, गोमती उड़ गई थी यार। अरे बाप रे, बहुत तगड़ा तूफान। अरे बाप रे, पेड़ वाला देखो ना, उड़ जाता है। दोस्तों, ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, नंदलाल जी। जैसा कि हम लोग आज जा रहे हैं दुर्गागंज, अभी तो सुनने में आया है कि वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ पड़ा है, तो हम लोग निकल रहे हैं। फिर वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी रंजन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इस समय अभी दुर्गागंज बाज़ार में हूँ और यहाँ पे 20 अगस्त को बवंडर आया था, तूफान आया था, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया था। तो आइए कुछ लोगों से हम मिला। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मकसूद आलम। मकसूद आलम जी हैं। तो क्या हुआ था भाई, यहाँ पे कैसे आया था, किधर से? सामने पूरब दिशा से। अच्छा, पूरब दिशा से चला था सामने से। तो स्पीड कितनी रही होगी उस? करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे कम नहीं था। चोटें नहीं आई हैं, बस जो कुल मिला के माल का नुकसान हुआ है। अच्छा, और एक पीछे यादव बस्ती है, वहाँ वो एक जान का नुकसान हुआ है। अच्छा जी, एक लोग खत्म हो गए। जी जी, उनके ऊपर जो है नीम का पेड़ गिर गया था। अच्छा, पीछे एक शोरूम खोला है। अच्छा, उसका पूरा मांग लिया, नुकसान पूरा हो गया, करीब 10-12 लाख का नुकसान, पूरा शोरूम ही उड़ गया उसका। 10-12 लाख का नुकसान हो गया पूरा शोरूम ही। बड़ा शोरूम था और उसके बगल में मतलब घर भी बनवा रहा था और शोरूम बढ़ाने के लिए। अच्छा, उसकी जो है सारी दीवारें जो है पिल्लर वगैरह सब गिर गए। अच्छा जी जी, माज फर्नीचर नाम से है। चक्की रहा है, चक्की टूट गया। बहुत देर से ये 8 क्विंटल का साला वो उड़ गया, गोमती उड़ गया। अच्छा, गोमती उड़ गई थी यहाँ से? कम से कम गई थी यहाँ, एक पता रहा नहीं बचा। अच्छा अच्छा, मुर्गी फार्म पूरन को दब के मर गया सारी मुर्गी। अच्छा, ये मुर्गी फार्म था? हमारे जो है कम कम कुंटल 1.5 क्विंटल मुर्गी मर गई, सब पूरा सब नाश हो गया। अच्छा अच्छा, अब विकलांग आदमी है, कहीं गुजारा करते हैं, विकलांग लड़के वहाँ। तो दोस्तों, ये 4 दिन की बाद की स्थिति है, पेड़ गिरा हुआ है, पूरा जसकता सभी पड़ा हुआ है। आज तूफान आए, 4 दिन बीत चुके हैं। ये छत ऊपर की दीवार गिर चुकी है। पूरा उखड़ गया है और पेड़ भी। पेड़ कहाँ था? पेड़ था। अच्छा, पेड़ यहीं पर था। ये जगह जगह से बटोर के खेतों से, तो कहीं कहीं से बटोर के पतरा एक जगह ले जाया जा रहा है। क्या हुआ? मशीन धो वाला कपड़ा। अच्छा हाँ, अरे वाशिंग मशीन एकदम चकनाचूर हो गया। अच्छा, दुकान भाई को बताने सारा सामान बहुत गिर गया। अच्छा, दुकान के पीछे का? हाँ, हुआ रोड पे कपड़ा जूता चप्पल बहुत सामान, मैं लड़कों का थी, का बताई। हाँ, तो बता, देख रहे होंगे दोस्तों, काफी गृहस्थी नुकसान हुआ है। हाँ भैया, और तो छोटा मोटा जो कुर्सी मुर्सी टूटा होगा नहीं बताओ, तो भारी सामान देख बताओ, पता नहीं कहाँगे कुर्सी मिला, कुर्सी कितना का है ना, नौकर हम नहीं बताओ, मगर हमारे दोनों भारी सामान में नई वाशिंग मशीन का नाम। ये मैकेनिक लोग, इंजीनियर लोग जुटे हुए हैं लाइट बनाने में, काफी मशक्कत से बेचारे जुटे हुए हैं। और ये
आज चौथा दिन बीत चुका है लेकिन इतनी ज्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन अभी भी कोई रिपेयर का काम ठीक से हो नहीं पाया है। अभी घरों में लोगों के बिजली नहीं जा पा रही है। पूरा घर उड़ गया, पूरा पेड़ पिछवाड़े उधर वो आ गए, तीन चार चार जगह नुकसान हो गया, पूरा जान ला बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और इस समय आप कहाँ रह रहे हैं चाची? यह बगल में, इधर बगल में। अच्छा, दूसरे घर में? हाँ, दूसरे घर में। अच्छा, तो ये अभी इनका मकान गिर चुका है और ये अभी दूसरे के घर में रह रही हैं। तो कोई कोई रिश्तेदारी चला गया है रहने के लिए क्योंकि उनका मकान गिर चुका है। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप लोग शेयर करें खूब ज़्यादा, जिससे इन लोगों की मदद हो सके। और कुछ कहना चाहती हैं चाची जी? नहीं भैया, पूरा ये देख ला जाऊँ सब, पूरा नुकसान बहुत भाई उधर आप ही भैया रिकॉर्डिंग कहला देखा। ये पीछे देख पा रहे होंगे आप लोग, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तार और गिरा है, आप लोग देख पा रहे होंगे पूरी दीवार गिर चुकी है यहाँ की। नया बना रहे थे, उनका गिर गया है। अच्छा, नया बन रहा था अभी। अलमारी वगैरह की देखिए, कांच वगैरह फूटे हैं, ये सब पूरा सब। ये माज फर्नीचर, इनके जाई गद्दा कुर्सी, मतलब ये सारे चीजें तो इनका बिजनेस था। और ये पूरा ऊपर पतरा लगा हुआ था, क्यों भैया? ऊपर पूरा पतरा लगा हुआ था, पूरा पतरा लगा हुआ था। अच्छा, तो ये अलमारी वगैरह सब बेकार हो गई हैं, सब टूट गया था, पूरा डैमेज हो गया। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, इनका पूरा सब सामान वगैरह बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, सब डैमेज हो चुका है, ये काफी क्षतिग्रस्त हो गए हैं सारे सामान। आइए अंदर ले चलते हैं आपको। ये इनका शोरूम था, पूरा पतरा लगा हुआ था वहां से लेके यहाँ तक, लेकिन कोई भी ऐसा सामान नहीं जो इनका टूटा फूटा हुआ ना हो। पूरा नुकसान हो गया। तो भैया आपको कितना नुकसान हुआ है? अरे भाई, मेरा लगभग 10-12 लाख का नुकसान हुआ है। 10-12 लाख का नुकसान हो गया है। इधर पूरा दीवार भी बना रहा था, अभी 4-5 लाख रुपए लगा। हाँ, पीछे साइड पूरा गिर गया, इसमें सब फ्रिज व्रिज रखे थे, पूरा डैमेज हो गया है। फ्रिज कुर्सी वगैरह हम देखे थे वीडियो में। जी जी जी, पूरा बेड वेड रखे थे, पूरा सब खराब हो गया, कोई चीज बचा नहीं। जितना पतरा था 130 पतरा उड़ गया है, 130 पतरा उड़ गया। अच्छा जी। अच्छा, वो बहुत दूर चला गया, तो कोई सपेता वहाँ अटका है देखे हम? जी, कहीं ना कहीं से गिरा, कोई दे भी नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या भैया? इरफान अहमद। इरफान अहमद जी, कहाँ से इनको खाने का दूँ, कोई मदद करने वाला नहीं मिल रहा है, कहाँ जाऊँ?